वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और ब्रोचिंग का बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम लेके आए हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग ब्रोचिंग को लेके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक हमें कीवे कट करना है, जिसकी कितनी डेप्थ का कीवे कट करना है, हमें डेप्थ दी है कितनी 4.5 mm की डेप्थ का हमें क्या करना है, कीवे कट करना है। अब उसके लिए किससे इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्रोचिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें ब्रोचिंग के टूल जो है उसमें फिनिश टीथ कितने दिए हैं ब्रोचिंग के, तो फिनिश टीथ को अपन लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिनिश टीथ के टीथ को जेड एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड एफ इजिकल टू कितना है 4, मतलब 4 नंबर ऑफ फिनिश टीथ अपने को दिए हुए हैं। या एन एफ से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना नंबर ऑफ फिनिश टीथ एन एफ। उसके बाद सेमी फिनिश टीथ कितने दिए हैं, सेमी फिनिश के लिए एन एस का टर्म अपन ने यूज किया है, कितना 8 सेमी फिनिश टीथ अपने को दिए हैं। उसके बाद एक टेबल दी गई है, टेबल में क्या बोला गया है, रफिंग टीथ, रफिंग टीथ, सेमी फिनिश्ड टीथ और उसके बाद फिनिश्ड टीथ। इन तीनों टीथ के लिए अपने को राइज पर टूथ दैट इज एच और उनका पिच दिया हुआ है। रफिंग टीथ का राइज पर टूथ दिया है 0.1 mm, सेमी फिनिश टूथ का 0.0125 mm और फिनिश टीथ में तो कोई राइज होता नहीं अपने को पता है। रफिंग का पिच अपने को दिया है कितना 22, सेमी फिनिश का पिच अपने को दिया है 20 और फिनिश टीथ का पिच अपने को दिया है 20। यहाँ पे ये नहीं होगा कुछ भी, ये अपने को दिया है। अपने को पूछा क्या है, लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल, मतलब LE, लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल मतलब इफेक्टिव लेंथ, जो मशीनिंग के फॉर्मूले में TM इज इक्वल टू मशीनिंग टाइम में इफेक्टिव लेंथ अपॉन वेलोसिटी होता था। तो उसमें अपने को सिर्फ इफेक्टिव लेंथ, कितना टूल को ट्रेवल करना पड़ेगा स्लॉट को कट करने के लिए। अब ये कोई होल तो है नहीं कि थिकनेस से पार करना पड़े, तो जितना टूल की लेंथ होगी सिर्फ उतना ही अपने को क्या करना पड़ेगा, टूल को ट्रेवल करवाना पड़ेगा, जितनी टूल की लेंथ होगी, क्योंकि थिकनेस तो है नहीं कुछ, जितनी टूल की लेंथ है उतनी ही अपने को ट्रेवल कराना पड़ेगा। मींस जितना टूल का साइज होगा वही लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल हो जाएगा। टूल का साइज कितना होगा, तो एल इज इक्वल टू एल आर प्लस एल एस प्लस एल एफ, मतलब रफिंग टीथ की लंबाई टूथ में कितनी है, उसके बाद सेमी फिनिश टीथ की लंबाई टूल में कितनी है, उसके बाद फिनिश टीथ की लंबाई टूल में कितनी है। अगर अपने को ये तीनों चीज मिल जाए तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, टोटल टूल ट्रेवल निकाल सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिनिश टीथ से, तो फिनिश टीथ में ध्यान दीजिए एल एफ इज इक्वल टू किससे निकालेंगे, एन एफ इंटू पी एफ। एन एफ कितना दिया हुआ है अपने को, कितने नंबर ऑफ टीथ है 4, 4 दिया हुआ है, और P कितना दिया हुआ है अपने को फिनिश टीथ का 20, तो अपने को LF कितना आ गया, LF अपना आ गया 80 mm, ये अपना आ गया LF। उसके बाद LS की तरफ बढ़ते हैं, तो LS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NS इंटू PS, NS नंबर ऑफ सेमी फिनिश टीथ कितने दिए हैं 8 और पिच ऑफ सेमी फिनिश टीथ कितनी दी है 20, तो यहां से एल एस कितना आ गया अपना 160 mm आ गया एल एस, तो ये अपना क्या हो गया एल एस भी हो गया। तो मतलब एल एस एल एफ आ गया एल आर, एल आर के लिए भी सेम फॉर्मूला अपन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या एन आर इंटू पी आर। पिच तो दी हुई है किसकी, रफिंग टीथ की, लेकिन एन आर नहीं दिया हुआ है। एन आर रफिंग टीथ के कितने टूथ है अपने को ये मालूम चल जाए, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, रफिंग टूथ की भी लंबाई निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल मिल जाएगा। अब रफिंग टूथ की लंबाई, नंबर ऑफ रफिंग टूथ कैसे निकालेंगे, एन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन एच आर हो जाएगा, राइस पर टूथ, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट कितना होता है, राइस पर टूथ इंटू नंबर ऑफ टूथ, तो एन आर इज इक्वल टू डी आर अपॉन एच आर। अब राइस पर टूथ कितना दिया है रफिंग टूथ में 0.1, मतलब एच आर इज इक्वल टू कितना दिया है 0.1 mm अपने को दिया है। अब डेप्थ ऑफ कट कितना अपने को चाहिए रफिंग टीथ से, वो मिल जाए तो अपने को एनआर भी मिल जाएगा। तो कितनी डेप्थ ऑफ कट कट कर रहे हैं अपन लोग, 4.5 mm कट कर रहे हैं, तो क्या डीआर पूरा 4.5 हो जाएगा, नहीं,
मैंने बताया ब्रोचिंग में क्या होता है, रफिंग टीट बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूव करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ कट रफिंग टीट देते हैं। लेकिन सेमी फिनिश भी क्या करते हैं, थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करते हैं, तो सेमी फिनिश टीट भी क्या करते होंगे, थोड़ा सा डेप्थ ऑफ कट देंगे। लेकिन फिनिश टीथ क्या करेंगे, बिल्कुल मटेरियल रिमूव नहीं करते, तो फिनिश टीथ बिल्कुल भी डेप्थ ऑफ कट नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो जो डेप्थ ऑफ कट है अपना, ध्यान दीजिए, डेप्थ ऑफ कट है वो किनके किनके कारण है, रफिंग टूथ की डेप्थ के कारण और सेमी फिनिश टूथ की डेप्थ के कारण। तो अपने को अगर सेमी फिनिश टूथ की डेप्थ मिल जाए तो अपन लोग डी आर यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि डी इज इक्वल टू 4.5 अपने को पता है। तो देखते हैं डीएस कैसे निकालेंगे, तो डीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनएस इंटू एच एस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेमी फिनिश टूथ कितने दिए हैं अपने को, 8, और राइस पर टूथ इन सेमी फिनिश टीथ कितना दिया है, 0.0125 mm। तो ds यहां से कितना आ गया, 0.1 mm आ गया। अब ds अपना 0.1 mm आ गया है, तो यहां से ध्यान दीजिए d इज इक्वल टू कितना है, 4.5 इज इक्वल टू dr प्लस ds कितना आ गया, 0.1। तो dr इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.4 mm। यही तो चाहिए था, dr मिल गया तो अपने को nr मिल जाएगा। तो nr इज इक्वल टू कितना हो गया, dr कितना, 4.4 mm अपॉन hr कितना, 0.1। तो कितने नंबर ऑफ रफिंग टीथ आ गए अपने, 44 रफिंग टीथ आ गए, रफिंग टीथ 44 आ गए। तो lr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nr इंटू pr। तो nr कितना, 44, pr कितना दिया है, 22। तो एल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 968 mm की लंबाई हो गई, किसकी, रफिंग टीथ की। टोटल टूल ट्रेवल कितना हो जाएगा, एल आर प्लस एल एस प्लस एल एफ, तो एल आर कितना है, 968 mm, एल एस कितना आया, 160 mm, और एल एफ कितना आया, 80 mm। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा कितना, 1208 mm का आपको टोटल टूल ट्रेवल करना पड़ेगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देख रहे हैं सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, रफिंग की, उससे कम लंबाई किसकी, सेमी फिनिश की, उससे कम लंबाई किसकी, फिनिश की। यही आपने थ्योरी में पढ़ा था, वही आपको न्यूमेरिकल में प्रूव हो गया। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, इसके बाद किसी भी ब्रोचिंग प्रॉब्लम को आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।